नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। फूलवानी कस्बे में वहां जो 2-4 माह में बने बाजार बांध, तालाब का सौंदर्यकरण कार्य 12 सितंबर 2021 की शाम से हल्की बारिश से बह गया। यह काम क्यों शुरू किया गया, काम की अनुमानित लागत क्या है, कौन सा विभाग कर रहा है काम, कब शुरू हुआ काम, पूरा करने की समय सीमा क्या है, किस तरह का काम, अन्य शर्तें क्या है, संविदा जिसे कार्य में उपेक्षित किया जा रहा है, जो कार्य किया गया है उसके बारे में कहीं भी कोई संकेत नहीं लगाया गया। हैरानी की बात यह है कि शहर में इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। जिला मुख्यालय अनुमंडल फूलवानी के केंद्र में ऐसा हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे जिले में सालों से क्या चल रहा है। इस तरह की घटनाएं सरकार और विपक्षी दलों, जाति कबीले समाजों, व्यापार और कर्मचारी समूहों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक सेवाओं आदि के काम के बारे में संदेह पैदा करती है। आम जनता से वोट, पदों, शक्तियों, प्रशंसा, श्रेय आदि की अपेक्षा करती है। इसलिए प्रशासन की इस उम्मीद में लोगों को अकेला ना छोड़ें कि वे एक दूसरे पर दोषारोपण किए बिना आम आदमी की दुर्दशा को समझ सकें। इसी प्रकार अपने स्वयं के लाभ के लिए प्रशासन के नियंत्रण से परे जाने के बिना जहां आवश्यक हो लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए, यह तय करना आवश्यक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।